यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने गाजियाबाद में मानसरोवर भवन बनाने को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही योगी सरकार ने पूर्व विधायकों को भी बड़ी सौगात दी है। पूर्व विधायकों को 50,000 के रेलवे टिकट और 50,000 रुपए का पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी में जजों के गेस्ट हाउस की मरम्मत के कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। मरम्मत कार्यों में 36 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा दिव्यांगों की पेंशन में भी योगी सरकार ने इजाफा किया है। दिव्यांगों की पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। कैलाश मानसरोवर भवन कहा जा रहा है, उसका निर्माण होएगा और इस निर्माण जब किया जाएगा तो इसमें जो लागत लगेगी वो 50 करोड़ की होगी और 500 श्रद्धालुओं को ये गेस्ट हाउस या जो भवन है ये उसमें व्यवस्था करेगा। तो उसको देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद जिला अधिकारी ने इसको वहां पे पारित किया और पारित करके वहां पे 1,000 वर्ग मीटर भूमि जिसके अंदर एक वाटिका नामक पार्क बनेगा और 8,125 मीटर जो भूमि है उसके ऊपर ये भवन का निर्माण होगा। तो ये जो निर्माण है ये इससे श्रद्धालुओं को बहुत मदद मिलेगी। जो दिव्यांग उत्तर प्रदेश में हैं, उनको 300 रुपए की पेंशन दी जाती थी और लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 883,157 दिव्यांग हैं और उनको 300 रुपए दिया जाता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब विभागीय प्रस्तुतिकरण हो रहा था तो उस दौरान उनको जब ये जानकारी हुई कि 300 रुपए दिया जाता है तो उन्होंने उस समय रखा था कि ये 300 रुपए से बढ़ के 500 रुपए होना चाहिए। हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी थी वो आज कैबिनेट ने उसका अनुमोदन किया, प्रस्ताव जब आया तो अब उत्तर प्रदेश के जो दिव्यांग हैं जिनकी संख्या मैंने आपको बताई है उनको 500 रुपए दिया जाएगा।